तो गाइस टीम सोती बॉलिंग एक्शन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो टीम सोती की जो रनअप है वो ज़रूर देखिएगा आप। तो रनअप के दौरान जो उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सीधी होती है। तो जो भी यंगस्टर इस वीडियो को वॉच कर रहा है ज़रूर नोटिस कीजिए इस तमाम पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो डिलीवरी स्ट्राइड होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बॉलिंग के दौरान और ज़्यादातर स्विंग कराने में। तो बॉडी जो है रनअप के दौरान बिल्कुल सीधी होती है, उसके बाद थोड़ा सा जंप करते हैं और जो रिस्ट पोजीशन है ख़ासकर स्विंग कराने के लिए बॉल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रिस्ट पोजीशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ज़्यादातर टीम सोधी जो है आउट स्विंग कराते हैं, स्पेशली आप देखे होंगे फरवरी में टीम इंडिया के ख़िलाफ़ भी स्विंग बहुत ही बढ़िया करा रहते हैं। तो स्लो मोशन में रनअप देख लीजिए, उतनी तेज़ से भाग कर नहीं आते हैं। बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्राइड रहना चाहिए आपका रनअप के दौरान। और जो उनका लेफ्ट हैंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्विंग और पेस के लिए। देखिए ये अगर आप आउट स्विंग और इन स्विंग कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका लेफ्ट हैंड। जितनी फोर्स से आप अपना लेफ्ट हैंड मूव करेंगे उतनी फोर्स से आपका जो राइट हैंड से वो बॉल जो है वो रिलीज़ होगा। तो ये चंद टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके एक्शन के ऊपर तब तक आपका एक्शन जो है परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादातर आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।